जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस फोर्स हिंदी के एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत द्वारा बनाए जा रहे तेजस MQ-2 फाइटर जेट के इंजन पर एक बड़ी खबर निकल कर आई है, जिसके अनुसार एक विदेशी कंपनी अपने इंजन की फुल टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी हो गई है और साथ ही जल्द ही उस कंपनी और HAL के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। खबर को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिकी कंपनी भारत के तेजस MQ-2 प्रोग्राम के लिए अपने पावरफुल इंजन की टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी हो गई है। खबर के अनुसार अगले 3 हफ्तों में अमेरिकी वेस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और HAL भारत में 98 kN क्लास के F414 इंजन के स्थानीय निर्माण के लिए फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक डील करेंगे, जिसकी पूरी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि F414 इंजन का उपयोग तेजस MQ-2 फाइटर जेट के पहले 6 स्क्वाडन में किया जाएगा, जो 2023 से उत्पादन में जाएंगे, और AMCA MK-1 के पहले 2 स्क्वाडन में किया जाएगा। साथ ही TADVF फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को भी इसी इंजन से पावर किया जाएगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि GE का F414 इंजन भारत के हर एक फाइटर जेट को पावर करेगा, जिसके लिए भारत को लगभग 100 से अधिक इंजन की आवश्यकता है। ऐसे में अगर GE और HAL के बीच ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो यह भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस पर आपके विचार क्या है, कमेंट में अवश्य लिखें। साथ ही भारत अभी भी AMCA प्रोग्राम के लिए संयुक्त रूप से 110 kN क्लास के इंजन का निर्माण करना चाहता है, जो 2040 से तेजस MQ-2 विमान में पुराने F414 इंजन को भी बदल देगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।